श्रीमती इंदिरा गांधी को उस समय दिया गया था जब वे सूचना और प्रसारण मंत्री बनी। ये मकान आजीवन उनका निवास स्थान रहा। इस मकान ने कभी भी प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का रूप नहीं लिया, ये बिल्कुल निजी था और था केवल उनका घर। बात ये जो है, ये ज्यादा नहीं जीतते तो पहनेंगे आजकल नहीं रहना चाहिए। तरह तरह के कीड़े जमीन पे होते, ये कीड़ा जो है इसके पर गिर जाते और रोशनी जहाँ होती है वहाँ पे आते हैं। अरे दादी को देर हो गई, खा चुके तुम लोग? नहीं खाई। नहीं नहीं नहीं, मैंने सब चिप्स खा लिया और ग्रेवी खा लिया, मीट छोड़ दिया। अगर ठीक से नहीं खाएंगे तो बड़े कैसे होंगे? मालूम है खाने से क्या होता है? उससे हड्डी बनती है, खून बनता है, ये सब चीजें खाने से बनती है। खून क्या? खून जो अपने अंदर खून है ना, लाल लाल, कभी कभी चोट निकलती है तो निकलता है ना खून, वो खून है। तो अगर अच्छे बड़े होना है, मजबूत होना है तो अच्छी तरीके से खाना खाना। बहुत खून है, सब जगह खून है, खाली एक जगह नहीं, सारी बदन में। विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र की नेता के रूप में उन्होंने उपनिवेशवाद से उपजी समस्याओं का हल ढूंढा और भारत की आर्थिक समस्याओं का सामना किया। सुबह वे अपना कुछ समय प्रकृति के बीच रहकर बिताती ताकि हर दिन की नई चुनौती का सामना करने के लिए सामर्थ्य जुटा सकें। श्रीमती गांधी भारतीय जनता की आशा का केंद्र बिंदु क्यों बनी? क्या था उनमें ऐसा कि जनता ने अपने भाग्य का फैसला उनके हाथों में सौंप दिया? इन प्रश्नों का उत्तर इतिहास ही बताएगा या फिर आने वाली पीढ़ी। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत की जनता ने उनमें अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त किया। दो सौ वर्ष से अधिक हुए नेहरू परिवार कश्मीर से आकर उत्तर प्रदेश में बसा। मोतीलाल नेहरू एक तेजस्वी वकील थे। उन्होंने लखनऊ और इलाहाबाद में वकालत शुरू की और काफी शानो शौकत से रहे। कांग्रेस ने श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत का तीसरा प्रधानमंत्री चुना। प्रधानमंत्री बनने पर उनके पहले शब्द थे, आज जब मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूं मुझे उन महान नेताओं की याद आती है जिनमें खास तौर पर महात्मा गांधी जी हैं, जिनके चरणों में मैं पली। मेरे पिता पंडित जी और शास्त्री जी ने मुझे मार्ग दिखाया और मैं चाहती हूं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में इसी मार्ग पर चलती रहूं। भारत में जल्दी ही निर्गुण देशों का सम्मेलन आयोजित हुआ। इस अवसर पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा, My government and the people of India are conscious of a sense of historic fulfillment. You have both been with us before, but this is the first time we meet together in Delhi to give new meaning and purpose to our friendship and cooperation
which has helped to sustain the dialogue of peace in a sharply divided world. 1967 के आम चुनाव के बाद जब वे फिर प्रधानमंत्री चुनी गईं, तो उन्होंने लोगों से मिले समर्थन पर अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा, I think we have proved that we have a working democracy, that there are free and fair elections, and that our people are conscious of their responsibilities. People have voted in large numbers, and we have to respect their verdict. Naturally, having different governments, and especially governments composed of different elements, creates very special problems and difficulties. But it is only the dead who have no difficulties. Anything that is living and advancing is bound to face new challenges, new difficulties, new problems at every step. And I think we must view the situation in that light and see how, in spite of the difficulties, or maybe because of them, because it has focused attention on a special problem which was not considered up to now, the relationship between state and center when there are different governments and other such questions. And by finding solutions, we may well give greater strength to our democratic structure and greater strength to the country as a whole. इसके कुछ वर्षों बाद ही भारत को पूर्वी पाकिस्तान से भारी संख्या में आए शरणार्थियों की जटिल समस्या का सामना करना पड़ा। फिर युद्ध हुआ और विश्व के मानचित्र पर बांग्लादेश उभरा। Well, surely the massacre there stops, the rape stops, the burning of villages stops. Can it not be fairly put to you? जब श्रीमती गांधी से एक संवाददाता ने पूछा कि क्या वो गुरिल्लाओं की मदद करके स्वयं शरणार्थियों की समस्या को बढ़ावा नहीं दे रही हैं? Having to reduce your support for the guerrilla armies operating in East Pakistan. Does that mean we? तो इसके उत्तर में उन्होंने कहा, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम नरसंहार होने दें। पहले क्या हुआ? आपके ब्रिटिश, अमरीकी और अन्य अखबारों के संवाददाताओं के अनुसार कितने लोग मारे गए? नरसंहार तो बहुत पहले हुआ था, जब वहाँ एक भी गुरिल्ला नहीं था। दूसरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, क्या चुप रहने का मतलब ये है कि हम जातीय नरसंहार होने दें? क्या आप समझते हैं कि लोग चुपचाप बैठे अपनी औरतों के साथ बलात्कार होते हुए देखते रहें और कहें कि स्थिति को शांत कर रहे हैं? ये तो दुनिया का सबसे घटिया युद्ध, सबसे बदतर हिंसा है। But how then, without something done to control the guerrilla activity? फिर उन्होंने हिटलर का उदाहरण देते हुए कहा, जब हिटलर ने युद्ध छेड़ा तो आपने क्यों नहीं कहा कि हम शांत रहें ताकि जर्मनी में भी शांति कायम हो जाए, भले ही बेल्जियम और फ्रांस मिट जाए? तब क्या आप कहेंगे वो शांति थी? But how do you propose to bring about? एक अन्य सवाल के जवाब में श्रीमती गांधी ने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ होता अगर दुनिया के लोग उसी समय होश में आ जाते जब हमने उन्हें पहले आगाह किया था। हमने यहाँ भारत में भी तीन वादे किए थे अपनी जनता से। पहले ये कि जो शरणार्थी यहाँ आए हैं वो सब वापस जाएंगे। दूसरा ये कि हम हर तरह से मुक्ति वाहिनी की सहायता करेंगे, बांग्लादेश के लोगों की मदद करेंगे। और तीसरे के शेख साहब को हम जरूर छुड़वाएंगे जेल से। हमने भी अपने तीनों वादे पूरे किए हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से भी विभूषित किया गया। पाकिस्तान में नागरिक शासन बहाल होते ही वहां के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो और श्रीमती इंदिरा गांधी ने शिमला में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार दोनों देशों में शांतिपूर्ण संबंधों की स्थापना
और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का निश्चय किया गया। इसके तुरंत बाद ही श्रीमती गांधी अफ्रीका गईं। उनका वहां तंजानिया के राष्ट्रपति जूलियस नेरेरे ने शानदार स्वागत किया। वहां उन्होंने अपने भाषपित प्रशासक थी। ये सभी बातें उन्होंने अपने पिताजी से सीखी थी, लेकिन नेहरू या गांधी जी की तरह राजनीतिक मामलों पर सोचने या समझौते करने का उनके पास बहुत समय नहीं था। उन्हें जल्दी ही लोगों के दुखों को दूर करना था। जब उन्होंने देखा कि कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, पुलिस और सेना को गलत कामों के लिए उकसाया जा रहा है, तो उन्होंने आपातकाल घोषित कर दिया। जहां आपातकाल को बुद्धिजीवियों ने लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर कड़ी पाबंदी ठहराया, वहीं देश की अधिकांश जनता ने उसका स्वागत किया। आपातकाल के दौरान भ्रष्टाचार एकाएक रुक गया और कार्यक्षमता बढ़ने लगी। उन्होंने आम चुनाव की घोषणा की और चुनाव में हार गईं। तब जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई। पहले श्री मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और उनके बाद श्री चरण सिंह। भारतीय जनता ने दोनों प्रधानमंत्रियों की कार्यप्रणाली का जायजा लिया और 14 महीनों के अंदर ही तीसरा प्रधानमंत्री बनाने की संभावना बन गई। देश की जनता ने जनता पार्टी की सरकार को ठुकरा दिया और फिर चुनाव हुए। श्रीमती इंदिरा गांधी फिर से देश की प्रधानमंत्री बनी। अभी उन्होंने देश की एकता को बनाए रखने की शपथ ली ही थी कि उन्हें बेलची और नारायणपुर जाना पड़ा ताकि सांप्रदायिक दंगों को शांत किया जा सके। उनके इस दौरे से ऐसा नाटकीय दृश्य बदला कि वहां फिर से शांति कायम हो गई। इसमें बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं कि भारत की लगभग सभी ग्रामीण जनता को विश्वास था कि श्रीमती इंदिरा गांधी ही उनकी आशाओं को पूरा कर सकती हैं। देश सेवा में उनकी लगन इतनी सच्ची थी कि शासन से हटने के बाद भी अपने कार्य में वो लगी रहीं। उनका स्वभाव पहले जैसा ही बना रहा। देश सेवा के कार्य में उनके लक्ष्य को कोई डिगा ना सका। एक बुद्धिमान की तरह अपने अतीत को किनारे करके देश की भलाई के कार्यों में वे दुगनी ताकत से जुट गईं। उन्होंने पहले की तरह ही ग्रामीण विकास पर फिर जोर दिया। सार्वजनिक संस्थानों की स्थिति बड़ी अजीब थी, इसलिए उन्होंने निजी संस्थानों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए मदद देने को कहा, क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मतलब ही न था। फिर भी सार्वजनिक संस्थानों को उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा बने रहने दिया। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में देश सेवा और उसके जरिए मानव जाति की सेवा के रास्ते में उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। जून 1980 में प्यारे बेटे संजय की विमान दुर्घटना में हुई अचानक मौत भी उन्हें अपने रास्ते से विचलित नहीं कर सकी। उन्होंने बड़ी हिम्मत से इस दुख को झेला और अपने काम में लगी रही। विश्व में परमाणु हथियारों की बात को दुनिया के नेताओं के सामने लाना ही उन्होंने उचित समझा। उनका जितना आदर रूस में होता था, उतना ही अमेरिका में हुआ। इंदिरा जी ने अमेरिका में कहा, मेरे लिए हर यात्रा एक रोमांच है। मेरी ये यात्रा मित्रता और आपसी सूझबूझ को बढ़ाने के लिए है। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। हम दुनिया और उसके कार्यों में दिलचस्पी लेते हैं। हमने दोस्ती का हाथ सभी के लिए बढ़ाया है। किसी की दोस्ती दूसरे के मार्ग का रोड़ा नहीं बन सकती।
does not come in the way of another. जब वे रूस गईं, तब उनकी भेंट अंतरिक्ष में जाने की तैयारी में लगे दो भारतीयों से हुई। उनके प्रशिक्षण को देखकर वे काफी रोमांचित हो उठी। उन्हें लगा यही तैयारी मानव को किसी दिन ग्रहों या फिर सितारों पर बिठा देगी। तब जवाहरलाल बहुत याद आए होंगे। जब से भारत आजाद हुआ है, भारत की ऐसी साफ तस्वीर दुनिया के सामने उतनी कभी नहीं उभरी जितनी दिल्ली में हुए निर्गुट देशों के शिखर सम्मेलन में उभरी। प्रेसिडेंट कास्ट्रो, श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा, निर्गुटता का मतलब है राष्ट्र की स्वतंत्रता, देश की आजादी। ये संगठन शांति के लिए और तनाव को दूर करने के लिए है। इसका मतलब है सभी राष्ट्रों को बराबरी का दर्जा देना, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक समन्वय को बढ़ाना, दुनिया में सहयोग की भावना को जागृत करना जिसमें सभी का फायदा है। परमाणु हथियारों के साथ साथ क्या शांति कायम रह सकती है? मेरे पिता पंडित जी कहा करते थे, बिना शांति के हमारी उन्नति के सपने चूर चूर हो जाएंगे। Can there be peace alongside nuclear weapons? Without peace, my father said, all our dreams of development turn to ashes. We are here because we do believe that minds and attitudes can and must be changed, that injustice and suffering can and must be diminished. Our world is small, but it has room for all of us to live together and to improve the qualities of men and women of all races and creeds in peace and beauty. भारत की सांप्रदायिकता और प्रांतीयता के बारे में इंदिरा जी बहुत गहराई से सोचती और चिंतित रहती। उन्होंने राष्ट्र को अंतिम बार हंसी खुशी नहीं बल्कि परेशान व दुखी मन से संबोधित किया। धर्म में ये नहीं है कि लड़ाई करें। हर धर्म ने भाईचारा सिखाया है, प्रेम और करुणा सिखाई, और उस धार्मिक रास्ते पे अगर देश चले तो एक नया समाज हम बना सकते हैं। हमें याद रखना है कि ये जब आजादी का दिन है तो आजादी केवल एक दफे पाने से रह नहीं जाती है, हर समय उसके लिए लड़ना होता है। अक्टूबर 1984 के अंतिम सप्ताह में वो उड़ीसा के दौरे पर गईं। यहाँ उन्हें अपनी मौत का जैसे पूर्वाभास हो गया था। मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, और जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही नहीं जाएगी, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। और ठीक अगले दिन ही उनकी हत्या कर दी गई। उनके 13वें जन्म दिवस पर जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, हमें इस बात का डर नहीं है कि हम क्या करते हैं और हम क्या कहते हैं, हम हर काम सबके सामने करते हैं। मुझे आशा है तुम एक अटल प्रकाश स्तंभ की तरह बड़ी होगी, शांति और निर्भीक रूप से आगे बढ़ोगी, चाहे तुम्हारे मार्ग में कितनी ही रुकावटें क्यों ना आए। बेटे, तुम खूब फलो फूलो, भारत की सेवा के लिए एक बहादुर योद्धा बनो। और ठीक वैसा ही हुआ, वे एक बहादुर योद्धा बनी।
गुरुवाणी के शब्द हैं, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रले संपूर्ण थिया राम। आज उनका हमारे बीच न रहना हमारे लिए कितना दुखदाई है। आज इंदिरा प्रियदर्शनी हमारे बीच नहीं है, लेकिन लोगों के हृदय में आज भी उनकी वही तस्वीर है, प्रियदर्शनी।